भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को अस्थिर करने को लेकर झामुमो का हल्ला बोल। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व की यूपीए गठबंधन सरकार को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास और मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाने की कार्रवाई के विरोध में गिरिडीह झामुमो ने टॉवर चौक गिरिडीह में रैली एवं धरना प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस रैली का नेतृत्व गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांधी के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिलाध्यक्ष श्री संजय सिंह एवं तमाम वर्ग संगठन के नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अगर उस नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो लोग राज्य का सिपाही लेने मरने को तैयार रहेगा। हम ये जानते हैं कि इन 22 वर्षों के झारखंड में 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन चाहे वो 1932 के मामले हो, चाहे 1927% आरक्षण के मामले हो, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई ध्यान नहीं हुआ। आज जब किशन गुरु ने के नेतृत्व में हेमंत सोरेन ने तय किया कि 11 सितंबर को विधानसभा में 1932 का विधेयक आएगा, 27% आरक्षण आएगा, तब इस सरकार को ये लगता है कि मुद्दा नहीं विपक्ष 24 में 4 का स्टिगमा उठाएगा। आज हम लोगों ने गांधी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक साथी कार्यकर्ता, गठबंधन दल के एक एक साथी कार्यकर्ता, इस गठबंधन की सरकार में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए आज कमर कस चुके हैं। और आज आपके साथ ये आह्वान करता हूँ कि पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें गई थी, आइए हम और आप आज आदरे प्रण करें कि आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता सबक सिखाएगी और 24 तक उनके सरकार की। और ज्यादा न कहते हुए आप आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपके इस सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा अपने 9 साथी का और पार्टी का भी हौसला बुलंद हुआ है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग, झारखंडी हक हकूक की बात करने वाले लोग, जिस जिस दिन दमन की बात आएगी हम फिर एकजुट होंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं।